वैसे भी घर में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि 4-5 महीने से लगातार जॉब ही कर रहा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपको टाइटल पढ़ के पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं। और मैं आपको थोड़ा सी इसके बारे में जानकारी दे दूँ। ये कुतुब मीनार जो है दिल्ली के मेहरौली एरिया में स्थित है, और आप यहाँ पे मेट्रो से भी आ सकते हैं। सबसे नियर बाई जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो कुतुब मीनार का ही पड़ता है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से मात्र 1.4 किलोमीटर की दूरी पर कुतुब मीनार है, और ये टिकट घर है। यहाँ से आप टिकट लेते हैं और यहाँ पे आपको अपना बैग भी जमा करवाना होता है। आप बैग जमा करवा के फिर आप जा सकते हैं। ये कुतुब मीनार की एंट्रेंस है। यहाँ पे आप अपना टिकट दिखाते हैं और ये टिकट स्कैन करता है, फिर आप अंदर जाते हो। यहाँ से हम अंदर आ जाते हैं कुतुब मीनार में। तो भाई आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ आया हुआ हूँ, और मेरे सामने है कुतुब मीनार। तो ये रहा देखो कुतुब मीनार। फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ। तो कुतुब मीनार बना था 1199 में, और ये बन के पूरा हुआ था 1220 में। तो मतलब इसको पूरे 21 साल लगे थे। यहाँ की ग्लेरी वैसे फ्रेंडली होती है, मैंने वीडियो में देखी थी, बट पक्का नहीं पता। वाह हवाई। गई ये पक्का किसी की कवर होगी यहाँ पे। भाई क्या जगह है, कितनी मोटी दीवारें हैं। पुराने ज़माने में जो दीवारें बनती थी ये चूना और मिट्टी पीस के बनाई जाती थी, मलय सीमेंट की तरीके से इस्तेमाल होता था। यार एक तो मेरा मोबाइल हीट कर रहा है, और हीट करने की वजह से वीडियो अपना आप बंद हो जा रही है, और उसके बाद बैटरी बहुत जल्दी गिर रही है, 67 हो गई, जबकि मैंने इतना यूज़ भी नहीं करा। ये तो भाई समझ ही नहीं आ रहा, मतलब है क्या चीज़, ये क्या है, ये गोल सा बना हुआ है अंदर कोई की। भाई जो पीछे देख रहे हो गोल सी इमारत, ये कभी बनी नहीं पाई, अधनिर्मित मीनार। हाँ अधनिर्मित मीनार बोलते हैं इसको, और ये 1316 में कुछ ऐसी है, मैं उसमें डाल दूँगा देख लेना। ये है यहाँ का कुआं, इसमें जा सकते हैं क्या देखने, वैसे तो बंद ही कर दिया। ये किसी कवर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की या खिलजी की पता ही नहीं मेरे को, बट किसी की तो कवर है ये। ये कवर देखो, यहाँ पर बोर्ड तो लगा होना चाहिए, आई थिंक बाहर होगा। और यहाँ की कारीगरी भाई अब से 1000 साल पहले, मतलब कितनी ज़बरदस्त कारीगरी है। ये मार्बल है, और ये लाल पत्थर, लाल पत्थर मेरे ख्याल से राजस्थान में मिलता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने भी। और कारीगरी क्या, मतलब एक एक पत्थर पे करके बनाई गई है भाई। और देखो ये है जिसकी भी कवर है, ये क्या है, ये इल्तुतमिश का मकबरा। हाँ सुल्तान 1235 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे, और यह मकबरा उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्तानगढ़ी। भाई हिस्ट्री थोड़ी बेकार लगती है, मतलब पढ़ने में बेकार लगती है,
देखने में मज़ा आता है तो हम देख के मज़ा लेते हैं। अब जिसकी भी कवर थी वो जा चुका है तो फ़िलहाल मौज लो। हो तो यहाँ पे मैं अकेला ही आया हूँ, काश कोई आया होता साथ। वैसे मैंने किसी को पूछा ही नहीं था क्योंकि मेरा मन भी नहीं था, बट मैं ज़बरदस्ती आई है। दिल्ली का लास्ट ब्लॉग है, इसके बाद मैं कुछ दिन के लिए घर जा रहा हूँ, एग्ज़ाम के बाद ही आना होगा मेरा। और सामने फॉरेनर्स हैं और उनका एक गाइड टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, दिखा रहा है हिस्ट्री। फॉरेनर्स भी देख लो, कुतुब मीनार के साथ फॉरेनर्स भी। बच्चा कितना क्यूट है। पहले मुझे लगता था कि ये लोहे का बना हुआ है कुतुब मीनार, बट नहीं। मैं सोचता था बचपन में कि इस पर जंग नहीं लगता कभी भी, बट ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सॉरी ऊंची मीनार है, वो भी पत्थर की बनी हुई ईंटों की। और जो जंग वाला है वो ये है, अलग ही मटेरियल से बना हुआ है, मिक्सर में। ये है वो लोहे का पिलर जिस पर जंग नहीं लगता कभी भी, इसको जो बोलते हैं लोहा स्तंभ। और ये है इसका सारी टिप्पणी, इसको पढ़ लो एक बार। दोस्तों अगर आप गौर से देखोगे लोहा स्तंभ पे तो आपको इस पे ऊपर संस्कृत में श्लोक भी लिखा हुआ दिखाई देगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और ये तब का ही लिखा हुआ है जब ये बना हुआ था, और इस पे एक डैमेज का भी निशान है ऊपर, अगर आप गौर से देखोगे तो। और अगर आप इस गेट की दीवार पे देखोगे तो पूरी ही दीवार पे आपको अरबिक भाषा में लिखा हुआ दिखाई देगा, पूरी ही दीवार पे। और मैं आपको इसकी अगर और हिस्ट्री बताऊं 800 साल पहले की, तो यहाँ पे कुतुब मीनार से पहले यहाँ पे वेधशालाएँ होती थी, और यहाँ पे हिंदू और जैन के मंदिर भी थे 27 के लगभग। जब यहाँ पे मुस्लिम राजा आया तो उन्होंने यहाँ पे सारी ही जगह पे कब्जा करके, और जो यहाँ पे हिंदू और जैन के मंदिर थे और वेधशालाएँ थी उनको तोड़ के सबको मंदिर में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और इसका पता आपको यहाँ की जो है हिस्ट्री देख के पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पे जो ये प्लर्क हैं आपको पता चल जाएगा कि ये हिंदू धर्म के हैं या इस्लामिक धर्म के। और आप वहाँ पर जाके देखोगे अच्छे से तो आपको वहाँ पे टूटी हुई मूर्तियाँ भी दिखाई देंगी, जिससे कि आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो है पहले हिंदू धर्म के ही टेंपल हुआ करते थे। और मैं आपको बता दूँ ये जो मूर्तियाँ हैं सारी ही देखोगे आप सारी ही टूटी हुई हैं, और टूटी हुई इसलिए हैं बिकॉज जो इस्लामिक धर्म है इसमें जो मूर्तियाँ होती हैं उनको अशुभ माना जाता है, इसलिए सारी ही मूर्तियों के उस टाइम पर फेसिस तोड़ दिए गए थे। आप अगर जाओगे तो एक बार अच्छे से देखना सारा। चलता हूँ भाई, बहुत घूम लिया, बहुत मौज ले ली, अब जाता हूँ घर। तो ये है इधर से एग्जिट, अब निकलते हैं यहाँ से हम। वो गाइड अंग्रेजों को कुछ बता रहा है पीछे यहाँ की हिस्ट्री। अब यहाँ से मैं अपना बैग लूँगा, बैग जमा होता है यहाँ पे, और लेके निकलते हैं। Thank you.
यहाँ पर टिकट मिलता है और बैग भी यहीं पर जमा होता है। ओ भाई कितना नीचे है। यहाँ पर मैंने बैग जमा किया था, पर बैग के 2 रुपये। यहाँ से बैग लेता हूँ, मेरी जेब में पर्ची होनी चाहिए। तो भाई मैंने लिया पूरा घूम, देखो मीनार हो रहा, देखो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। ये रोड देख लो, यहाँ से ढलान वाली है, थोड़ा ऊंचे पे है मेरे ख्याल से। ये थोड़ा दिल्ली में भी पहाड़ी इलाके हैं तो ये भी थोड़ा ऊँचा नीचा है यहाँ का हिसाब। मुझे नहीं पता भाई वीडियो कैसी बनेगी, बस जहाँ तक है कोशिश करूँगा थोड़ी वीडियो मस्त बन जाए। और आगे बड़ी गंदगी है कसम से, बहुत बदबू आ रही है। ये देखो कचरे की दुनिया, ऐसे की तैसी वहाँ रखी है कुतुब मीनार के रास्ते में यहाँ से। और यहाँ पर गंदगी है तो इसी वजह से यहाँ पर चील भी बहुत सारी हैं भाई, सबसे ज़्यादा चील यहीं पर मिलेगी। तो भाई मैं अभी आ गया हूँ मैं हाईवे पे, इधर से मैं रोड क्रॉस करके उधर जाऊँगा राइट साइड, और वहाँ से सीधा मेट्रो की ओर निकलूँगा 1.5 किलोमीटर पैदल चलिए। यहाँ से जाऊँगा मैं मेट्रो स्टेशन तक पैदल, वहाँ से मेट्रो लूँगा, वहाँ से फिर सिकंदरपुर से ई रिक्शा संकट चौक से ऑटो से राम चौक, फिर घर पहुँच गया बस। वैसे ये ब्लॉग काफ़ी सस्ता रहा, ज़्यादा महंगा भी नहीं रहा, मात्र 150 रुपये में मैं घूम लिया। 10 रुपये लगते हैं मुझे अपने राम चौक, मतलब जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से 10 रुपये लगते हैं मुझे संकट चौक आने तक। संकट चौक से फिर मैं ई रिक्शा लेता हूँ सिकंदरपुर के लिए, वहाँ से मैं मेट्रो लेता हूँ, मेट्रो ली तो वहाँ सिकंदरपुर से मैंने मेट्रो ली तो वहाँ से लगे मुझे 30 रुपये कुतुब मीनार तक के लिए, और ये कितने हो गए 20-30-50, और यहाँ से 20-30-50 रुपये जाने का। और यहाँ से मैंने कुतुब मीनार में टिकट लगता है, अगर कैश लोगे तो लगेगा 40 रुपये का, अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो लगेगा मात्र 35 रुपये का। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया तो मुझे 35 रुपये का लगा। उसमें ईमेल आईडी आधार कार्ड वगैरह डालते हैं और तुम्हारे फिर तुम पेमेंट कर देते हो QR कोड से। और मैं बैग लेके गया था तो बैग भी वहाँ पर जमा करवाया, बैग के मात्र 2 रुपये लिए। मुझे पता नहीं था यार अंदर पानी की बोतल भी लेके जा सकते हैं, तो मैं अपनी बोतल और कोल्ड ड्रिंक दोनों बैग में डाल दिया था। आज मैं बहुत दिन बाद ट्राईपॉड भी लाया था तो वो भी मैंने बैग में छोड़ दिया था। बैग में बस ये तीन चार चीज़ें थी और बस बैग मेरा जमा हो गया। तो मैं मोबाइल लेकर अंदर गया था, चलो मोबाइल भी बहुत हीट कर रहा था, बार बार बंद हो जा रहा था, और इसकी बैटरी भी बहुत जल्दी गिरी है। अभी तो खैर ठंडा हो गया तो सही चल रहा है, वरना अंदर तो जाके इसने रंग दिखाने स्टार्ट कर दिए थे। तो फाइनली पहुंच गया मैं मेट्रो स्टेशन, अब यहाँ से मेट्रो लेता हूँ और निकलता हूँ। तो देख लो दोस्तों ये है कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन, और अब मैं जाता हूँ टोकन लेता हूँ। तो भाई मैं संकट चौक आ गया हूँ, अब थोड़ी देर जा रहा हूँ साइबर हब। अभी वैसे भी 5:15 हो रहे हैं, 5:15-5:30, तो अभी घर भी जाके क्या ही करूँगा, थोड़ी देर जाके चिल करता हूँ, बैठूँगा आधे घंटे में यहाँ से निकल जाऊँगा बस। अब जाता हूँ अंदर, अभी रोड पे ही हूँ, यहाँ से काफ़ी सारे एंट्रेंस बने हुए हैं साइबर हब के। इधर से भी एंट्रेंस है जहाँ पे ये देखो देख रहे हो ना BMW की ओबेरॉय बिल्डिंग, यहाँ से भी एंट्रेंस है, इसके आगे से भी एंट्रेंस है, हर जगह जा सकते हो।
यहाँ पर बच्चों की पेंटिंग का कंपटीशन होता है, आर्ट कंपटीशन। ये रहा ठीक है सलोन, यहाँ पे जाता हूँ, मुझे एक बैग लेना है बट महंगा है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। देखूँगा साइज़, अगर साइज़ सही हुआ तो ले लूँगा वरना कैंसिल। तो भाई ये है डिकैथलॉन और यहाँ पे ए टू जेड चीज़ें मिल जाती हैं। और ये रहा मैं, ये वाला बैग लेना है यार, बट महंगा है 900। ट्रिपल 9। देखो भाई सारा ट्रैवलिंग से रिलेटेड सामान मिल जाएगा ए टू जेड। जब भी कैंपिंग करूँगा ना मैं 100% यहीं से परचेज करके जाऊँगा सारा सामान, टेंट वगैरह, शूज़ और जो भी समझ आएगा मुझे, नाइफ, सारी कितनी मस्त चीज़ें हैं सारा। यहाँ पे सारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान है। ठीक है तरन भाई, ऐसी जगह है यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। टी शर्ट कितनी ज़बरदस्त है, लेकिन ये मेरे नहीं आएगी। मेरे आ जाएगी क्या? नहीं आएगी आई थिंक, वैसे भी गर्ल्स की है। कैरम खेलना ही भूल गया, कई साल हो गए। शिट, अच्छी रीत गई, अब तो जाएगी तू बस। तो भाई बहुत देर बैठ गया, चिल भी बहुत कर लिया, अब निकलता हूँ यहाँ से।